दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एलआरसी रिजल्ट के कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार एलआरसी की रिजल्ट आने में अभी तक बहुत ज़्यादा देरी हो गया है और कब रिजल्ट आएगा इसका तो कन्फर्मेशन इस वीडियो में भी नहीं है, लेकिन कुछ अपडेट्स आया है क्योंकि जो बिहार एलआरसी विभाग है वो सर्वे का काम करने वाला है। जल्द ही बिहार के जो भूमि है सभी का सर्वे का काम होना है और उसमें भी यहाँ पे देरी होगा। देरी क्यों होगा? क्योंकि बिहार एलआरसी के पास में इनफ कर्मी नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर भी इस काम में देरी होने की आशंका है। और यहाँ पे इसी के चलते एलआरसी विभाग जो है हाई कोर्ट से अनुरोध करने वाला है कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो कर्मी है जैसे कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, अमीन और अन्य जो पोस्ट है लगभग 6800 पदों की बहाली जल्द से जल्द कराने की अनुमति दे और जल्द से जल्द ये लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग करा पाए, तो उसी के रिगार्डिंग अपडेट दिया गया है। तो चलिए चलते हैं उस न्यूज़पेपर के कटिंग में, सभी जानकारी वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है और ये है न्यूज़पेपर का कटिंग और ये जो है 10 सितंबर 2019 का पटना एडिशन का ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा गया बहाली के लिए अनुरोध करेगा राजस्व विभाग, ऐसा कुछ हेडलाइन से थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे मामला कोर्ट में बताया गया है कि 6800 से अधिक पदों पर होनी है बहाली और सर्वे के कार्य को सफल बनाने सघन प्रचार अभियान होगा। ठीक है, तो सर्वे के कार्य को सफल बनाने के लिए यहाँ पे अनुरोध करेगा हाई कोर्ट से राजस्व विभाग कि जल्द से जल्द उनके अधिकारियों के और जो भी कर्मी हैं जो नए बहाली होना है उसको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करा दिया जाए ताकि सर्वे के काम में देरी ना हो और यहाँ पे उनका काम जल्दी से हो जाए। डिटेल में बात करें तो लिखा गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक एवं अमीन आदि 6800 से अधिक पदों पर बहाली के लिए तैयार रिजल्ट को घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय में अनुरोध पत्र दाखिल करेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट वहां पे फाइल करेगा और लिखा गया है कि विभाग अदालत को बताएगा कि रिजल्ट तैयार कर लिया गया है और प्रशिक्षण की कार्य योजना भी बना ली गई है, यानी जो ज्वाइनिंग के बाद में कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग करने का जो कार्य योजना है उसे भी बना लिया गया है और ऐसी स्थिति में रिजल्ट निकालने में देरी होने पर सर्वेक्षण की प्रक्रिया में विलंब हो सकता है। सर्वेक्षण कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने यह निर्देश दिए। गौरतलब है कि कई अभ्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने से रिजल्ट जारी करने में ऊहापोह की स्थिति बना हुई है। अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है पर रिजल्ट की बाबत कोई आदेश जारी नहीं हो सका है। तो यहाँ पे बात करेंगे हाई कोर्ट में तो एक दर्जन से ज़्यादा याचिका दायर किया गया था, सभी पे सुनवाई हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो है कोई आदेश नहीं जारी किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि रिजल्ट जारी होगा या फिर किया जाए या फिर ना किया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग जो विभाग है वो रिक्वेस्ट करेगा हाई कोर्ट से कि जल्द से जल्द इनके जो नया बहाली है उसको पूरा करने दें और जिससे कि उनके सर्वेक्षण का काम में भी कोई देरी ना आए। और यहाँ पे इन सभी बातों का जो बयान दिए हैं उनका नाम है विवेक कुमार सिंह, जो कि अभी बिहार एलआरसी के मेन सेक्रेटरी हैं, तो वहीं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में बयान दिए हैं। अभी क्या होगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, या फिर सभी कैंडिडेट को यहाँ पे जो है झूठा दिलासा दिया जा रहा है, चूरन खिलाया जा रहा है कि क्या हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पे कुल मिलाकर बोले तो अभी स्थिति बिल्कुल भी साफ नहीं है, कतई साफ नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में जो अपडेट था मैंने आपको बता दिया, आपको क्या कहना है जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।